हिमाचल प्रदेश के शोघी में स्थित हनुमान मंदिर प्राचीन धार्मिक केंद्रों में से एक है। यह मंदिर भगवान श्री राम के भक्त हनुमान को समर्पित है। माता अंजनी के पुत्र हनुमान को समर्पित इस मंदिर में कई चित्र लगे हैं, जिनमें हनुमान के जीवन की कई घटनाओं का वर्णन भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अविरल जैन और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक आर्टिकल लेकर आए हैं, श्री हनुमान मंदिर खुशाला का संपूर्ण इतिहास। जी हां दोस्तों, हम इस समय खड़े हैं शोघी यानी कि शिमला के प्रवेश द्वार शोघी पर, जहां पर खुशाला ठाकुर द्वारे के नाम से हनुमान मंदिर स्थापित है। इस हनुमान मंदिर का रहस्य और इतिहास बड़ा ही अनोखा है। पूरा इतिहास जानेंगे, पूरे मंदिर की सैर भी करेंगे, एक एक चीज आपको अच्छे से बताएंगे कि इस मंदिर में क्या अनोखा है, क्या चमत्कारी है। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में जरूर, और सभी अपने सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को कम से कम एक बार शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखना ना भूलें। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और मंदिर के प्रवेश द्वार में सबसे पहले आपको मिलेगा शिवलिंग। यह शिव का मंदिर है, इसे शिव बॉडी भी कहते हैं। इस शिव बॉडी का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस पवित्र मंदिर के अंदर एक जल धारा भी बहती है, जो 12 महीने अपने ठंडे जल और स्वस्थ मस्तिष्क के साथ यहां टिकी रहती है। इस मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में एक पवित्र जल है, जिसे शिव बॉडी शिव जल कहा जाता है। अनंत काल से यह जल यहां पर आता रहता है। मान्यता है कि इस जल को पीने से सारे कष्ट, पेट से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, वो दूर हो जाते हैं। हनुमान मंदिर के साथ साथ आपको यहाँ शिव मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा। अब आपको दिखाते हैं वह बॉडी, वह जल स्थल, वह शिव जी का पवित्र जल, जो यहाँ अनंत काल से निकल रहा है और जिसको पीने से सारे रोग भी दूर हो जाते हैं। इस शिव मंदिर की बिल्कुल बैक साइड में ही स्थित है यहाँ शिव की बॉडी। आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ लोकल लोग भी यहाँ इस जल को इकट्ठा करके दिन भर पीने के योग्य ले जाते हैं। इस जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर कई वैज्ञानिकों द्वारा इस जल पर शोध भी किया गया है कि यह जल 12 महीने इतना ठंडा और लगातार कहाँ से आ रहा है, किंतु इस जल के बारे में कई रहस्य आज भी मौजूद हैं और इस जल को पीने से सारे कष्टों का, सारी बीमारियों का निवारण भी होता है। अब बात करते हैं कि आप इस मंदिर तक कैसे पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत राजधानी शिमला से प्रवेश द्वार है शोघी, जहां आप बस, टैक्सी, फ्लाइट या ट्रेन से भी आ सकते हैं। शोघी से ठीक नीचे सड़क मार्ग से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगवान महावीर हनुमान जी का यह अति प्राचीन स्थल। अब बात करते हैं इस स्थल से जुड़ी एक प्राचीन कथा की। एक जनश्रुति के अनुसार श्रेता युग में हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर इस ऊंचे शिखर पर रुके, तो उनके पाद प्रहार से यह पर्वत नीचे गहरी खाई में धस गया। वहीं बाबा जानकी दास भी ध्यानस्थ थे। उन्होंने भगवान महावीर के चरण पकड़ नतमस्तक होकर प्रार्थना की कि हे महावीर, आपने भगवान श्री राम की कार्य सिद्धि के क्रम से यहां विश्राम करते हुए मुझे दर्शन देकर आनंदित किया। आपकी कृपा से यह स्थान सिद्ध स्थल हो गया है। कृपा करके आप सदा सदा के लिए यहां मूर्तिमान रूप में विराजमान रहें, ताकि यहां आने वाले प्रत्येक भक्त को आनंद और कुशलता प्राप्त होती रहे। महावीर हनुमान ने बाबा जानकीदास की प्रार्थना सुन ली और इसी आधार पर इस पूरे परिक्षेत्र का नाम खुशाला पड़ गया।
महावीर हनुमान की दो विशाल प्रस्तर मूर्तियां बनाकर स्थापित की गई। ये दोनों विशाल प्रस्तर मूर्तियां, जिनमें से एक पश्चिमी मुखी और दक्षिणी मुखी है, आज भी दूर दूर तक जनमानस की आस्था का केंद्र बनी हुई है। वर्तमान गुम्बदीय शैली मंदिर का निर्माण 250 वर्ष पूर्व बताया जाता है, जिसमें प्राकृतिक रंगों से बनाई गई पहाड़ी और कांगड़ा चित्रकारी शैली की प्रारंभिक चित्रवली आज भी यहां मूल चमक बरकराते हुए दिखाई देती है। यहां स्थित अनेक साधु संतों की समाधियों से प्रमाणित होता है कि यह स्थान सिद्ध संतों का प्रारंभिक केंद्र रहा है और इसी कारण इस गांव का नाम डेरा जमातिया अर्थात साधु संतों की जमातों का डेरा पड़ गया है। लोगों की अगाध्य असाध्या के आस्था के कारण दूर दूर से लोग जेठ व कार्तिक मास में अपनी फसल का प्रथम भाग पहले यहां अर्पित करते हैं। लोग विश्वास की लोगों की मन्नतें यहां पूरी होती हैं और ओपरे आदि का भी छुटकारा मिलता है। रियासत काल में क्योंथल रियासत के शासकों ने अपने ईष्ट मानते हुए इसे विकसित किया और संत महंतों की पूजा अर्चना के लिए नियत किया। कालांतर में ठाकुर द्वारे पर पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करने वाले महंतों का वर्चस्व रहा है। 1952 में कुछ विवाद के कारण सरकारी प्रशासकों ने स्थानीय लोगों की समिति बनाकर ठाकुर द्वारा मंदिर की व्यवस्था उन्हें सौंप दी थी। प्राचीन मंदिर के अतिरिक्त अब शिव मंदिर, धूणा, सत्संग कक्ष एवं भंडारा कक्ष भी यहां पर निर्माणाधीन है। आगामी विस्तार योजनाएं भी यहां पर कमेटी द्वारा समय समय पर की जाती हैं। चलिए दर्शन करते हैं इस पवित्र हनुमान मंदिर के, जो अति प्राचीन सिद्ध पीठ भी है। अगर आपको इस मंदिर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कैसे आए, कहां रुके या कोई भी विस्तार पूर्वक जानकारी, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हर संभव मदद करेंगे। यह मैं आपको वो स्थल दिखा रहा हूं, मंदिर प्रांगण के साथ ही देवा जी की हनुमान चौकी भी है, जहां ओपरे आदि का भी प्रमुख रूप से इलाज किया जाता है, जहां हर रविवार को आपको सवेरे जल्दी आके अपना नाम लिखवाना होता है और यहां पर हनुमान जी की चौकी में हर कष्टों का निवारण ओपरे आदि का किया जाता है। यह है वह स्थल जहां दूर दूर से लोग आकर हनुमान कक्ष चौकी के बाहर बैठते हैं। इस प्राचीन हनुमान मंदिर के बहुत बड़े प्रांगण में शादी का भी आयोजन किया जाता है सूक्ष्म रूप से, और भंडारे आदि भी आप दे सकते हैं, जिसके लिए पर्याप्त बैठने के लिए हॉल आदि की व्यवस्था भी है। अभी ताजा ही 15 अक्टूबर से यहां पर राम कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर शैली में बने इस पवित्र प्राचीन अद्य प्राचीन मंदिर की पूरी कहानी इतिहास मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताई है। इसके अलावा अगर आप यहां ठहरना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके पूरी जानकारी आदि ले सकते हैं। जय श्री राम।